शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी रहे क्रांतिकारी सुखदेव राज की इक्यावनवीं पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण और अहिवारा विधायक ग्राम अंडा स्थित उनके समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दुर्ग के ग्राम अंडा में शहीद भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के अन्य सहयोगी रहे क्रांतिकारी सुखदेव राज की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को दुर्ग जिले के समीप स्थित अंडा गांव में समाधि स्थल पर मनाई गई। इस अवसर पर आयोजन में मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक ललित चंद्राकर व अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा के साथ दुर्ग में क्रांतिकारी सुखदेव के सहयोगी रहे गुलबीर सिंह भाटिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारे शहीदों का उनके परिवार को क्रांतिवीर है। सब एक साथ बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। अभी तक सुखदेव राज जी को इस क्षेत्र में बहुत कम लोग जानते थे। बता दें, सुखदेव राज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शहीद भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी के सहयोगी थे। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के संपर्क में आने के बाद उनका शहीद भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद से मिलना हुआ था। वे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के साथ अंतिम दिवस तक साथ में रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद आचार्य विनोबा भावे के साथ जुड़ गए और उन्हीं के साथ वर्ष 1963 में दुर्ग आए, जहां उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अंडा गांव में आश्रम के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे रहे। जहां 5 जुलाई 1973 को दुर्ग इंदिरा मार्केट के पास स्थित कुष्ठ सेवा केंद्र में उनका निधन हो गया था। इस दौरान पुण्यतिथि के अवसर पर हुए आयोजन में दोनों विधायकों ने अपने संबोधन में उनकी निजी जिंदगी पर प्रकाश डाला और नई पीढ़ी को क्रांतिकारी सुखदेव राज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, दुर्ग जिले में उनकी सेवाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दुर्ग के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में 51वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया और उनका स्मरण किया गया। आज बहुत गौरव का दिन है और खासतौर से हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्रामंडा में 10 सालों तक सुखदेव राज जी यहाँ पे सेवा किए, कुष्ठ रोगियों का सेवा किए और हम लोगों के लिए बहुत बहुत गौरव का पल है कि आज उनका पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे आज हम लोग सभी उनके उस स्थल में जहाँ पे वो रहे और जहाँ पे अपनी सेवा दिए वहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापना है, वहाँ पे हम लोग माल्यार्पण किए, उनको नमन किए और आज पूरे हम ग्रामवासी और हमारे जो पेंशन समाज है, जो आज उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था पेंशन समाज और ग्राम पंचायत के द्वारा और साथ में हमारे बहुत ही सम्मानित और हमारे सबके अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक अहिवारा से हमारे गुरुजी विधायक कोसेवाड़ा जी हम लोग के साथ में है, उनका भी मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है और बड़ा सौभाग्य की बात है आज हम लोग ऐसे क्रांतिवीर को आज नमन किए और आने वाला समय में ये जगह एक खूबसूरत और एक जगह को निर्माण करेंगे और एक पर्यटन स्थल के रूप में उसको हम लोग बनाने का पूरा काम करेंगे। उस ज़मीन को, जिस ज़मीन में वहाँ पे, जिस जगह में सुखदेव राज जी वहाँ पे बिताए और अपने समय के अंतिम समय उस जगह में, ऐसे क्रांतिवीर सुखदेव राज जी को पुनः नमन करते हुए हम सभी उनको आज इस भावभीनी नमन करते हुए और उनके पुण्यतिथि पे उनको याद करते हुए आज़ादी जो आज हम लोग को मिला है, सभी हमारे क्रांतिवीर, हमारे आज़ादी के हमारे जो सेना थे उनके द्वारा उनके परिवार को, सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और आज उनके जो बलिदान हैं, उन लोग जो आज़ादी के समय जो देश के लिए जो आज़ादी कराने में जो अपना बलिदान दिए, उन सभी क्रांतिवीरों को नमन करते हुए और आज ये समय ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग जाने कि सुखदेव राज जी कौन है और उसी पे आज ये कार्यक्रम रखा गया था और उनके एक पुस्तक भी विमोचन हुआ है जिसको हम लोग सब जानेंगे ये सुखदेव राज जी कौन थे। वो ऐसे सपूत हैं जो देश के लिए समर्पित भाव से काम किया और देश को एक राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग मिला। उनके सहयोगी के रूप में बहुत अच्छे हमारे क्रांतिकारी सिपाही भगत सिंह, चंद्रशेखर जी रहे हैं और निश्चित तौर पर उस समय जो देश की जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, दो दलों के बीच था, एक अहिंसा का, एक हिंसा अहिंसा का और हिंसा का। क्रांतिवीर चाहते थे हमारा भारत तत्काल स्वतंत्र हो,
और हमारे महात्मा गांधी जी चाहते थे अहिंसा के बल पर हमारा देश स्वतंत्र हो। निश्चित तौर पर क्रांतिकारियों का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस ग्राम अंडा में आज आदरणीय ललित चंद्राकर जो हमारे विधायक जी हैं उनके नेतृत्व में कार्यक्रम और पेंशनर समाज के उनके पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो सोच है वो समाज हित में है, समाज को आगे बढ़ाने में है। और सुखदेव राज जी कौन है उसका जानकारी हो, समाज में हो, हमारे प्यारे बच्चों को हो, इस दिशा में पहल किया है, उन्हें बोना बधाई देते हुए मैं CN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।